गुड बेटा अच्छे बेटे हो जी आप। हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जवान मामा से जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बेबी टू टू ब्लॉग पर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे और सब अपने घर पे सेफ होंगे और सब खुश होंगे। तो सब ऐसे ही रहिए जैसे मैंने अभी बोला। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ ऐसे सब ये सब चीज़ें रहने की, खुश होने की और निरोग रहने की और सबके साथ में रहने की। हमारी खुशी हमारे अपनों से ही जुड़ी है, तो हमारे अपने जब तक सही सलामत रहेंगे ना तब तक हम भी सही सलामत रहेंगे और खुश रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज सुबह से ही हस्बैंड ने सोचा कि बड़ी का हेयर कट कर दें, क्योंकि बड़ी का हेयर कट बहुत दिनों से हुआ नहीं था और उसके बाल बहुत लंबे हो चुके थे। तो अभी देख सकते हैं आप बड़ी की हेयर कटिंग हो रही है और बड़ी का एक्सप्रेशन देख सकते हो, बिल्कुल भी कटाना नहीं चाहता था। एक्चुअली उसको एक जगह पे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो बोर होता है और हेयर कटिंग भी नहीं कराता है, कुछ भी नहीं कराता, हेयर ऑयलिंग भी नहीं कराता। पिछले एक वीडियो पे मैंने दिखाया था आपको कि मैं हस्बैंड का हेयर कट कर रही थी मैं आधा का करी थी और आधा मुझे जितना हो पाया बाद में पापा ने किया बाकी का। अभी बड़ी का हेयर कट हो रहा है। लॉकडाउन में बाहर सैलून वगैरह तो जाने होते नहीं हैं तो सबके हेयर ऐसे ही बड़े बड़े हो गए हैं, तो घर पे ही सब हेयर कटिंग कर रहे हैं अपने अपने। और यहाँ पे बड़ी की हेयर कटिंग हो रही है क्योंकि बाबू का भी बहुत बड़ा बड़ा बाल हो गया था, बहुत दिनों से हेयर कटिंग कराए नहीं। असल में क्या है ना, बाबू कराने देता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा मनाने के बाद में वो माना है हेयर कटिंग के लिए, नहीं तो बालों को छूने भी नहीं देता, कंघी भी नहीं करने देता, ऑयल भी नहीं लगाने देता। और अभी हेयर कट करा रहा है तो उसको बहुत मनाए थे हम सब कि बहुत बड़ा बड़ा लंबा, और सच में उसके बाल बहुत लंबे हो गए थे, उसकी आँख ढक जाते थे तो इतने लंबे बाल हो गए थे। और छोटे बच्चों का ज़्यादा लंबा लंबे बालों गर्मियों के दिनों में अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है और हेयर की वजह से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है लगता है गर्मी की वजह से। और गांव में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी सब तरफ है गर्मी, गर्मी तो कहीं पर कभी कम नहीं है। छोटा बच्चा है तो खेलता रहता है, पसीने से भीगता रहता है और हेयर तो उसके हेयर की वजह से और ज़्यादा भीग जाता है लगता है। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना हेयर कट करा ही देते हैं। सबने उसको मनाया और उसके बाद माना और अभी हेयर कटिंग हो रही है उसकी। जब इसकी हेयर कटिंग हो रही थी ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था, बहुत ज़्यादा पापा ये पापा वो मम्मा ये मम्मा वो बहुत कुछ। एक बार फिर से उठ के चला जाता था नहीं कराऊंगा बोल के, और कई बार तो रोने भी लग गया था, कई बार उठ के चला गया था फिर उसको मनाते थे और फिर लेके आते थे। अभी देख सकते हो मेरे बेटे का चेहरा कैसे मुरझाने जैसे, मतलब अब उठ के जाना चाहता है, वो बैठे बैठे बोरिंग हो चुका है और फिर उसको ख़राब लग रहा है, तो जल्दी से जाना चाहता था। लेकिन हमने बार बार मनाया, उसके बाद में फिर आता था, फिर बैठता था और कहीं ना कहीं पर झूठा ही रहता था ना उसके बाल, क्योंकि वो सही तरीके से काटने दे ही नहीं रहा था। तो गैस मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, ज़्यादा तंग ही नहीं करता, किसी को ज़्यादा तंग नहीं करता, बस उसकी मर्ज़ी क्या करो, और उसके बाद में वो कुछ भी चीज़ के लिए तंग नहीं करता है। बाकी तो आप सबको पता होगा बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे सिर्फ अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं, उनके सामने सबको झुकना पड़ता है। तो बच्चों के सामने किसी की चलती नहीं है, बस वो अपनी मर्ज़ी ही चलाते रहते हैं। तो चलिए ठीक ही है, बचपन में ही उनकी मर्ज़ी का करने दो, क्योंकि बड़े हो गए तो हमारी मर्ज़ी या फिर दूसरों की मर्ज़ी से ही उनको चलना है, क्योंकि बचपना नहीं छीनना चाहती। और वो जो भी करता है, जो जैसे भी करता है, वो सब करती हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर रहा है तो फिर रोकती ज़रूर हूँ, क्योंकि रोकना भी ज़रूरी है, कुछ अच्छा करता है ना तो उसकी बहुत ज़ोर से तारीफ भी करती हूँ, और कुछ गलत करता है तो मना भी करती हूँ। तो सभी की बात है गाइस, जैसे सबके साथ होता है। तो बेटे की कटिंग में लगभग 1.5 घंटा लगा था, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगा था टाइम, तब जाके ये इसका हेयर कटिंग हुआ था। तो सोच सकते हैं टाइम 5-10 मिनट का जो हेयर कटिंग होती है, लेकिन इस बच्चे के हेयर कटिंग में कितना टाइम लग गया और क्यों लगा वो भी आप समझ सकते हो। अभी देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम था और बेटा यहाँ पे हेयर कटिंग वगैरह करा के नहाने के बाद में बाबू यहाँ पे चने खा रहा था, इतने अच्छे से खा रहा था ना कि किसी से बात भी नहीं कर रहा था, बस खाए जा रहा था। उसको चने बहुत पसंद है। तो ये हमारा कोला साइड है, बाड़ी साइड है, और यहाँ पे पत्थर पे बैठ के बाबू खा रहे थे, उसका ध्यान सिर्फ चने में था, इसलिए हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं। और सामने में हम थे, मैं थी, बड़ी के पापा थे, और हम दोनों उसको बस देखे जा रहे थे, कितना क्यूट लग रहा था। इसकी छोटी छोटी हरकतें ना हमें बहुत हंसने पर मजबूर कर देता है, बहुत हंसते हैं हम, बहुत खुश रहते हैं अपने बेटे से। इसकी छोटी छोटी हरकतें हमेशा याद रखने वाली है। जब छोटा था ना गाइस तो इतना प्यारा था, अभी भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है,
लेकिन जब छोटा था तब से उसकी हरकतें इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, इतनी क्यूट थी ना। तो उसमें छोटे बच्चे के माता पिता को ही पता होता है कि बच्चे ने क्या क्या हरकतें छोटे से लेकर अभी तक किए हुए हैं। तो अभी हम सबको याद है, हम सबको ये याद है कि जब ये छोटा था ना फ्रेंड्स, तो मैं पूरी रात पर बाबू को देखती रहती थी और मेरा मन ही नहीं भरता था। थोड़ा सोती थी, फिर उठती थी, फिर बाबू को ही देखती रहती थी। जब लाइट ऑफ कर देते थे ना हम सोने के टाइम पे, तो मोबाइल ऑन करके देखती थी कहीं बॉडी के आसपास में कीड़े वगैरह तो नहीं आ गए, कहीं ये तो नहीं आ गया, कहीं मच्छर तो नहीं काट रहे, बहुत कुछ गए थे। तब मुझे पता भी नहीं चलता था और रात बीत जाती थी। मुझे दिन भर सोने का टाइम नहीं मिलता था, मैंने बहुत रातें ऐसे ही बिताई हैं, बहुत सारे दिन ऐसे ही बिताए हैं बिना सोए। और मुझे सोने की इतनी ज़्यादा आदत है ना कि उस टाइम पे सारा मैं भूल चुकी थी फ्रेंड्स, और उसी टाइम से मेरा ये सोने वाला आदत गया है। वरना मैं बहुत सोती थी पहले, बहुत ज़्यादा सोती थी, और अभी ऐसे दिन आए हैं ना कि बेटा इतना बड़ा हो गया है तो अब भी सोती हूँ, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं सोती जितना कि पहले सोती थी। बच्चे आदत को सुधारते हैं और बिगाड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं है। नहीं गाइस, बच्चों की वजह से कोई भी दिक्कत आती भी है ना माता पिता को, तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो किस्मत की बात है कि इतने ज़्यादा किस्मत वाले हम बन चुके हैं ना अपने बच्चों की वजह से, अपने बच्चे बेटे की वजह से, कि अब कोई भी चीज़ और चाहिए ही नहीं, बस ये सही सलामत रहे और इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। तो मेरा ही नहीं है, मैं ही नहीं बोल रही हूँ, सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं, पर बच्चे आगे चल के क्या करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। बोला जाता है ना कि बच्चों को शुरू से जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, तो ऐसा नहीं है, बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे अपने ही सुनते हैं, और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है। और प्यार अगर मिलता है ना किसी से भी मिलता है, दुश्मन से भी प्यार मिले ना, तो वो उनके हो जाते हैं। और हमारा बेटा तो फिर दीदार ही है, बहुत हंसता है, हंसमुख है, बस हंसता रहता है, और जब रोने लगे ना तो बहुत रोता है। ऐसा नहीं कि नहीं रोता, बच्चा है, बच्चे के सारे लक्षण उसमें तो होंगे ना, तो बच्चा है, बच्चे का तो हरकतें आप सब जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जो यादें हैं ना वो बहुत प्यारे हैं, बचपन से लेकर आज तक हमारा बॉडी इतना बड़ा हो गया है, इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ करूँ ना उतनी कम है, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ ना उतना कम लगता है, और जितना ही मैं बोलूँ इसके बारे में उतना कम है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। धीरे धीरे तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी सारी वीडियोस पे मैंने इसके वीडियोस डाले हुए हैं, तो अगर आप लोग इसको देखते होगे तो जानते ही होगे, सारा चीज़ आपको समझ में आ ही जाता होगा। तो बहुत प्यारा है, ये जिगर का टुकड़ा है, और क्या बोलूँ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो बाड़ी साइड, तो ये बहुत बड़ी सी छिपकली बहुत बड़ी सी नहीं थी, बस ये जूम करके ली हूँ तो इस वीडियो को, तो ये बहुत बड़ी लग रही है लेकिन है नहीं। और इसके पास में हम जा रहे थे, मैं उसके सामने जा फिंगर से चुटकियां बजा रही थी, तो भागने का नाम ही नहीं ले रहा था, ये यहीं पे बैठ गया था, यहीं पे देख रहा था और हिलता भी नहीं था, बस देखे जा रहा था। और मैं देखो कितने पास में जाके ली हूँ वीडियो, फिर भी भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे यहाँ हो गई थी दोपहर नहीं शाम हो गई थी, तो शाम होते ही हम छत पर चले गए थे ना, तो आज मौसम बड़ा ही सुहाना था, तो देख सकते हो मेरा बेटा कैसे मेरे लिप्स को काट दिया था, मैं उसको किस कर रही थी और वो मेरी लिप्स को काट रखा था बहुत टाइम तक, मैं चिल्ला रही थी और उसके बाद वो छोड़ा। तो ऐसे कई बार करता है, मुझे भी काटता है, अपने पापा को भी काटता है, फिंगर्स को काटता है। और ये देखिए आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना था, क्योंकि आज थोड़ा बदरी छाया हुआ था ना, और बदरी के साथ साथ देख ले सकते हो मौसम कितना सुहाना लग रहा है, एकदम साफ मौसम इसको बोलते हैं ना, वही साफ साफ लग रहा है। और गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत थी आज, क्योंकि साथ बारिश होने वाली है। तो देखिए गांव का ये नज़ारा है, सब यहाँ से ना पूरे गांव नहीं बोल सकती, जितने दूर दूर तक देख सकते हो ये एक ही गांव है। और देखो वहाँ पे दूसरे छत पे सेल्फी ले रहे थे, तो सब लोग के छत पे अभी शाम के टाइम पे सब आ जाते हैं अपने अपने छत पे, और उससे कोई सेल्फी ले रहा होता है, कोई कंघी कर रहा होता है, कोई कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं, कोई और कुछ करते रहते हैं, सब एक दूसरे को देख सकते हैं यहाँ पे आके, तो हम भी देखते हैं सब। और बाबू यहाँ पे खेलता रहता है अपने चाचू के साथ, अपनी बुआओं के साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ। और बहुत धूप, एक्चुअली क्या था, एक बार धूप तो एक बार धूप एक बार छाँव हो रहा था। और देख ही सकते हैं ग्रीन ग्रीन जो पौधे लगे हैं, गाँव का नज़ारा था, सारी चीज़ अच्छी लगती है गाँव में कि सबके आंगन में पेड़ पौधे लगे होते हैं, कुछ ना कुछ पौधे लगे होते हैं, तो ये सब चीज़ें ना गाइस बहुत अच्छा लगता है। और गाँव में तो सारे इस तरफ ऐसे ही लगे होते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं, शाम के बहुत टाइम हो गया था, सन सेट भी हो चुकी थी। और मेरे बेटे के लिए ही नहीं, सबके लिए बनाई थी सेवैयाँ। बेटा यहीं पे ला के खाना चाहता था, तो यहाँ पे उसके लिए प्लेट में भिजवा दी थी और ये यहाँ पे खा रहा था। फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अच्छी लगी होगी आप लोगों को तो थोड़ा सा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बताइएगा कि मुझे किस टाइप से वीडियो बनानी चाहिए, क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम आईडी पर नहीं आए होंगे तो उसमें भी ज़रूर आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, तब तक बहुत मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त रहिए। बाय।